India is an old country, but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. आज राष्ट्रीय सद्भावना दिवस है। देश के सबसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में जन्मे राजीव गांधी का राजनीति से कभी लगाव नहीं रहा। पेशे से पायलट, वे अपने व्यवसायिक जीवन से खुश थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन उन्हें देश की सेवा के लिए सार्वजनिक जीवन में भी उतरना पड़ेगा। छोटे भाई संजय गांधी की असामयिक मृत्यु ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। नहीं चाहते हुए भी जनमानस के दबाव में उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। 1981 के लोकसभा चुनाव में अपने भाई की पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने सर आंखों पर बिठाया। एक साल बाद यानी 1982 में अपने कुशल प्रबंधन से नवे एशियन गेम का सफलतापूर्वक आयोजन कर देश का नाम विदेशों में गर्व से ऊंचा किया। अपने भाई की मृत्यु के गम से उभरे भी नहीं थे कि 31 अक्टूबर सन 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी को खो दिया। देश के सामने राजनीतिक नेतृत्व की शून्यता आ गई, चुनौतियां सामने थी। ऐसे में विकल्प के रूप में उभरे राजीव गांधी। प्रतिकूल परिस्थितियों में 8वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। देश की सत्ता राजीव गांधी ने संभाली और थोड़े से वक्त में अपनी असाधारण प्रतिभा की छाप छोड़ी। 20वीं शताब्दी में राजीव गांधी ने अपनी आंखों में 21वीं सदी का सपना देखा। तस्वीर थी देश को सूचना और संचार क्रांति के क्षेत्र में विश्व में एक अलग पहचान देना। आज पूरा विश्व सूचना और संचार क्रांति के क्षेत्र में भारत को एक महाशक्ति मानता है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को अमल में लाए, कृषि, महिला सशक्तिकरण, देश में नए औद्योगिकरण का सूत्रपात किया, सत्ता के निचले स्तर तक विकेंद्रीकरण के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाया। जब पूरे विश्व में हथियारों की होड़ लगी थी, तब राजीव गांधी ने शांति दूत के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उनके कार्यकाल में पड़ोसी देशों के साथ काफी मधुर संबंध रहे। आज हमारे बीच राजीव गांधी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश आज भी याद करता है। अविनाश, डीडी न्यूज़, दिल्ली।